आदाब नमस्कार सत श्री अकाल हिंदुस्तान जिंदाबाद प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, इस वक्त हम आ पहुंचे हैं बुलंदशहर के बाईपास काली नदी पुल पर और यहां पर कल से आम जनता के लिए, सभी वासियों के लिए ये बंद कर दिया गया पूरी तरीके से और यहाँ पर बैरिगेटिंग कर दी गई है दोनों साइड में। ये सामने आप देख पा रहे हैं प्यारे वर्ष, ये मोहन कुटी तिराया है चौराया और ये जो है शिकारपुर तिराए के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया है और कहीं ना कहीं जो जिस कंपनी को इसका ठेका मिला है वो काम शुरू कर दिया है और ड्रिल की मदद से डिगिंग की जा रही है। जो पुराना पुल टूटा हुआ, जो ये चार पैचेस में है प्यारे वर्ष, आपको दिखाएंगे हम अभी। ये ग्रिल जो है, ये देखें, ग्रिल बिल्कुल तैयार करके ले आए हैं ये लोग और वहाँ पर बिल्कुल कम्प्लीटली जो कंक्रीट जहाँ पर टूटी हुई है उसको रिमूव करने के बाद में यहाँ वहाँ पर ये ग्रिल डाली जाएंगी। दिखा दें ज़रा पास से ये ग्रिल और हम आशा और उम्मीद करेंगे, हालांकि पैदल कुछ लोग मजबूरी में निकल रहे हैं और बाकी टू व्हीलर बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। आप देखें यहाँ पर जो है, इधर दिखा दें, यहाँ पे ये दिखाएं, ये प्यारे वर्ष ये देखें आप, ये दिखाएं, यहाँ पे देखें हाइड्रो ड्रिल से इसको पुल को, जो खराब कंक्रीट हो गई है नीचे, पुल खराब हालत में, जर्जर हालत में, उसको तोड़ने का काम चल रहा है और इसके बाद में जो है 15 दिन में इसको रिपेयर कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इन्होंने अपना रैन बसेरा भी, लेबर और इनकी टेक्नीशियन और मैकेनिक और सब लोग यहीं पर सो रहे हैं वो लोग और यहीं पे सुबह का नाश्ता बना रहे हैं और हमें भी आशा उम्मीद है 15 दिन के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, यहाँ पर इनसे बात करें, स्थानीय लोग हैं जी। आप यहीं के रह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है। प्रमोद भाई स्वागत है अभिनंदन में, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हर 3 साल में खराब हो जाता है, 5 साल में, ये जो गैप है इसमें, ये 4 गैप हैं पूरे। प्यारे वर्ष आपको बताते चलें, ये जो पूरा पुल है इसमें 4 पैचेस हैं, 4 पार्ट हैं और हर पार्ट के बीच में जो है ग्रिल लोहे की लगी हुई है, वो गल जाती हैं और हैवी ट्रैफिक की वजह से
और जिन कंक्रीट पे वो लगी होती है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो एंगल भी टूट जाती है और पुल को क्षति पहुंचती है। पहले इन पे एंगल लगी हुई नहीं थी, ये तो मतलब ऐसे ही था खाली, जैसे मसाला लगा देते हैं छोड़ देते हैं। पहले एंगल नहीं थी इसमें, पहले ये वैसे ही था, लेकिन अब एंगल बार बार जो है खाना पूरा हो रही, बार बार खाना पूर्ति हो रही थी, लेकिन अब काम पक्का हो रहा है, अब पक्का हो रहा जी हाँ। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो दूसरा प्राइवेट पुल है छोटा वाला, हाँ उस पुल पर दो कम से कम सिपाही लगने चाहिए, क्योंकि लोगों को इतनी परेशानी है, इतना जाम लगा हुआ है कि एक एक बाइक वाला कम से कम 2 घंटे में निकल रहा है। वहाँ कोई प्रशासन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ पुलिस के नौजवान, कम से कम जवान दोनों साइड में एक एक जवान होना चाहिए जो वहाँ से निकाल सके, क्योंकि जो एक साइड से आ जाते हैं तो दूसरी साइड कोई नहीं है। ट्रैफिक बहुत है, अगर एक बीच में हो जाए और दोनों साइड में एक एक हो जाए, जी 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 रहेगा, जी जी बिल्कुल, बहुत ही दिक्कतें हो रही है। कल मैं उधर गया था तो मैं कम से कम 1.5 घंटे में वहाँ से निकला था, और बहुत ही परेशानियां हो रही है वहाँ, कम से कम सिपाही का होना जरूरी है। आपस में लोगों की तनातनी भी जी बहुत बदतमीजी हो रही थी, क्योंकि वो उधर के जो बुग्गी वाले हैं, जो गद्दी है वहाँ, वो उनसे लैंग्वेज खराब करके बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी बुग्गी निकल नहीं पा रही थी। तो जो बाइक वाले हैं, गाड़ी वाले भी वहाँ पे जी हाँ, ट्री वाले हैं, ऑटो वाले हैं, कार वाले हैं, वाले छोटे वाहन से भी है वहाँ अभी को परेशानी, जी हाँ सभी परेशानी हो रही है। एक तरफ से वाहन आ जाता है तो दूसरी तरफ से निकल नहीं पाता। अच्छा एक चीज और ये बताएं, अभी जैसे 15 दिन के लिए पुल बंद है जी, तो अभी जो छोटे मोटे गड्ढे इस पुल से लेके बाईपास ये रोड जा रहा है शिकारपुर तिराया ख्वाजालाल बर्नी कब्रिस्तान, जी जी जी, तो उनको भी साथ के साथ बोलेंगे कि प्रशासन उनको भरवाने का काम करे तो जनता को डबल राहत मिलेगी जी। ये तो आगे बहुत भी टूटा हुआ है, इतनी दिक्कतें होती है कि जो ये हाथों हाथ बन जाए तो बेहतर होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा गड्ढे हैं आगे, रामपुरा पार करने के बाद में इतने गड्ढे हैं, गाड़ी पलटने का डर रहता है, इसलिए बहुत दिक्कतें हैं। चलिए आप बड़े जागरूक है, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं बस थैंक यू, धन्यवाद। बसिल करना चाहते हैं बस, संयम बना के रखें, इतना होना चाहिए कि ये 15 दिन में हो जाना चाहिए। पब्लिक को बहुत ही अधिक परेशानी है, और कृपया निवेदन है कि उधर जरूर ध्यान दें कि पब्लिक बहुत परेशान है, जो कि बुलंदशहर सिटी के अंदर जो काली नदी पुल है, नहीं नहीं इसके बराबर में एक सामने पुल है छोटा सामने सामने, हाँ हाँ, उस पुल पे जरूर प्रशासन की सख्ती हो, बहुत ही दिक्कतें हैं और गड्ढे बहुत हैं, बंद पे इतने गड्ढे हैं कि कल तो त्रिया भी पलट गई थी। तो आप मोटी बात पे भी आप डिप्टीगंज से चले डिप्टीगंज लाल तालाब पे बहुत गड्ढे बहुत गड्ढे 800 से जहाँ पे मंदिर है, जी जी बिल्कुल, रॉयल मार्केट के पास रोड की तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, बहुत ही दिक्कतें हैं, लोग परेशान है। अभी चेयरमैन आ गई है, बुलंदशहर की सरकार बन गई है, और बहुत अच्छी जो है तमाम ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है। दीप्ति मित्तल जी जो है बहुत अच्छी कैंडिडेटों को ऐतिहासिक जीत देकर कहीं ना कहीं उनको नगर पालिका का सेनापति बनाया है, तो उम्मीद है कि अच्छे काम होंगे। अब देखते हैं, पहले मनोज गर्ग जी ने तो कुछ किया नहीं था, खाली ये बैरियर लगवा दिए थे, बाकी रोडों पे तो कोई ध्यान नहीं था, डिवाइडर जो लगवा दिए थे इन पर ध्यान, बाकी रोड पर ऐसा कोई ध्यान नहीं था, गड्ढे वगैरह सब कुछ ऐसा ही था। आज भी कोई खास अभी ऐसा खास नहीं हो पाया, लेकिन ये है कि धीरे धीरे लगता है, पता लगता है, क्या उम्मीद है जी, आज तो करेंगे ही सवेर जी जी, मैं आज तो करेंगे, बाकी भगवान मालिक जो होता है। और कुछ कहना चाहिए? 15 दिन के लिए संयम बना के रखे बुलंदशहर, बस बहुत जल्दी, जितना जल्द से जल्द हो जाए तो पब्लिक के लिए उतना अच्छा होगा। पब्लिक भी 15 दिन तो मांगे ना प्रशासन, मजबूरी हो तो करना पड़ेगा, प्रशासन को इतना तो देना होगा, सहयोग कर रहे हैं सब, बिल्कुल बिल्कुल सब सहयोग कर रहे हैं, और हम भी इसी जगह के हैं रामपुरा के, हम भी सहयोग कर रहे हैं। चलिए बड़े बड़े जागरूक हैं आप, प्यारे वो देखिए रामपुरा के हैं भाई साहब, और साफ के साफ गुहार लगाइए बुलंदशहर प्रशासन से, डीएम साहब से, कि तत्काल प्रभाव से कप्तान साहब वहां पर जो काली नदी का पुल है बुलंदशहर सिटी, वहां पर दोनों साइड में पुल के एक छोर और दूसरी छोर दोनों बिगनिंग और एंड वहां पर कम से कम 2 पुलिस वाले होने चाहिए। और बल्कि हमारा तो ख्याल ये है, हम भी यही चाहते हैं, हमारी भी यही अपेक्षा है कि 3 पुलिस वाले होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ गया है और वहाँ झगड़े शुरू हो गए हैं, और कहीं ना कहीं तनातनी तनाव का माहौल हो जाता है, और उससे बचने के लिए राहत मिलेगी बुलंदशहर की जनता को, क्योंकि लगभग 80 से 90 हज़ार ट्रैफिक वाहनों का वहाँ पर आवागमन होता है, तो उस पर कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, और वहाँ पर तैनाती हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, अति आवश्यकता है।